कल यानी 11 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में नेताओं में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि कांग्रेस से अपनी जीत का दम भर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के बड़े बेटे वीरेंद्र रावत का कहना है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत कर आएंगे। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री राहुल यादव भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट को काफी हॉट सीट माना जा रहा है। कारण है खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं उनके बड़े बेटे वीरेंद्र रावत जी। वीरेंद्र जी, क्या कुछ देख रहे हैं इस बार, क्या कुछ होने जा रहा है? 11 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें हमारे उधम सिंह नैनीताल उधम सिंह नगर, जिस पर हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता खुद ही मैदान में हैं कांग्रेस के टिकट पर। और मैं खटीमा से लेकर जसपुर तक और नैनीताल से लेकर भीमताल और हल्द्वानी सभी जगह मैं पूरे क्षेत्र में घूम चुका हूँ अब तक 14 विधानसभाओं में। तो मेरे देखने में जो आया कि वो हरीश रावत जी के प्रति लोगों की एक दीवानगी है, और उन्होंने जो कार्य किए थे एज ए मुख्यमंत्री, लोग चाहते हैं कि दोबारा हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुखिया बने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और आज चुनाव लोकसभा का है और वो एक उम्मीदवार के रूप में हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ से 2.5 लाख मतों से भी ज्यादा मतों से वो जीत के जाएंगे। भाजपा से अजय भट्ट प्रत्याशी हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं उनको? अजय भट्ट तो कहीं, अब अजय भट्ट तो ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने नाम से वोट भी नहीं मांग रहे, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो हरीश रावत जी के सामने बहुत बौने साबित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने 3 राज्यों में आपने देखा होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उन्होंने चुनाव के वक्त वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनाने में आप सहयोग करेंगे, हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। और आपने देखा होगा कमलनाथ जी ने सबसे पहली फाइल अगर कोई साइन की तो किसानों के कर्ज माफी का। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। नैनीताल लोकसभा सीट की बात करें जी, ऐसा है, देखिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो चोर चौकीदार के रूप में मशहूर हैं, और अभी बड़े भाई वीरेंद्र रावत जी ने भी बताया, जो हमारे PCC के मेंबर भी हैं उत्तराखंड से, कि इस समय इन्होंने किसान को धोखा दिया, बेरोजगार युवा कर दिए, युवाओं को धोखा दिया। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जो 2 लाख रुपये रोजगार नहीं दे पाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसानों के लिए हमने 3 स्टेटों में हमारी सरकार आई, राहुल जी ने 10 दिन का टाइम मांगा था और वो हमने 3 दिन में उसको पूरा करने का काम किया। और हम 15 लाख रुपए तो खाते में नहीं दे सकते, लेकिन जैसे वीरेंद्र भैया ने बताया अभी कि 72,000 रुपये सालाना जो न्याय योजना अपनी घोषणा पत्र में हमने ऐलान किया है, उसको हम सरकार बनने पर तुरंत वो हमारी लागू हो जाएगी और हम टोटल भारत में सभी भारतवर्षियों किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। क्योंकि अब किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान तराई तराई कर रहा है, और मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान में, ढोल बजाते हैं जापान में। तो ऐसे चोर चौकीदार को हमें, जो राफेल में हमारे साथ में दगाबाजी की, हमारे देश को हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि उन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम के ऊपर लड़ा था, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का उसका मुद्दा बना के चल रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। और हमारे देश के भविष्य, उत्तराखंड की शान और हृदय सम्राट युवाओं की धड़कन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी इस लोकसभा के सांसद होंगे, और लोकसभा में जाकर उत्तराखंड के नाम को उन्होंने रोशन किया है। पहला मुख्यमंत्री उत्तराखंड में ऐसा हुआ है जिसने उत्तराखंड में विकास की नदियां बहा दी, जो आज बिल्कुल डबल इंजन सरकार विफल हो चुकी है, जो बहुत सारे वादे कर स्टेट में आए थे, जो डबल इंजन का नारा देकर मोदी जी ने इनको यहाँ पे लाने का काम किया कि एक सरकार, एक केंद्र से इंजन होगा और एक प्रदेश से इंजन होगा, जो दोनों ही फेल हो चुके हैं, इसकी पुष्टि वीरेंद्र भैया ने सारी कर दी है। और हम पूरे दमदार तरीके से उत्तराखंड में नैनीताल में लगे हुए हैं। और मैं एक बात और कहना देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक डाल पे उल्लू काफी है, इंजाम गुलिस्ता क्या होगा,
जहां हर डाल पे उल्लू बैठा हो। अरे बर्बाद करने के लिए तो एक प्रधानमंत्री ही बहुत थे मोदी जी, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री स्टेटों में बना दिए हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश में योगी जी को देख लीजिए, यहां पर त्रिवेंद्र जी को देख लीजिए, ये कोई जनता का काम नहीं कर रहे, किसी कार्यकर्ता से अपने से नहीं मिलते, किसी कोई विकास की कोई सारी प्रगति सारे विकासों पे इन्होंने रोक लगा दी। इन्होंने उत्तराखंड को पीछे करने का काम किया और हम ये होने नहीं देंगे। और मैं अपील करता हूँ उत्तराखंड की जनता से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को वोट देकर हमें विजयी बनाए। जय हिंद जय भारत। इनका साफ तौर पर कहना है और दावा है कि 23 मई को कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, CMN न्यूज नैनीताल।